हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स में एमएस वर्ड के अंदर बताऊंगा व्यू टैब का यूज हम कैसे करते हैं, हाउ टू यूज व्यू टैब इन एमएस वर्ड। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, ये हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास व्यू टैब। तो व्यू टैब, व्यू का मतलब होता है देखना, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया इस टाइप से, ठीक है। हमारे पास इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, तो इसको हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखना, ठीक है। व्यू का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखना। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से प्रिंट लेआउट। देखिए, ऑलरेडी पहले से इस पर क्लिक है। तो प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि जो भी आपका डाटा प्रिंट हुआ, आपने काम किया हुआ है, तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही आपका प्रिंट होगा। उसके बाद फुल स्क्रीन्स, फुल स्क्रीन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपका पूरा ये जितना भी आपने काम किया हुआ एक बार में कंप्लीट करके दिखा देगा आपको। ये देखिए, ये पूरा एक पेज यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका एक पेज पे इतना काम हो रहा है और ये आपका दूसरे पेज में इतना काम हो रहा है। तो कंप्लीट एक पेज को हम एक बार में दे सकते हैं, ठीक है। विदाउट फुल स्क्रीन्स को आप यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा पेज नहीं दिखाता, आप देख सकते हैं ये आपका आधा पेज यहाँ पर है और आधा नीचे है। तो पूरे को एक बार में देखने के लिए क्या यूज करेंगे हम, फुल स्क्रीन्स। उसके बाद वेब लेआउट, जब आप इस पर इंटरनेट पे वेब लेआउट पे इंटरनेट पे क्लिक करेंगे जब इस पे, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि जब किसी को आप मेल करते हैं तो आप किस टाइप से डाटा वहाँ पे टाइप करते हैं। ये देखिए, तो आपको दिखाएगा ये आपका वेब लेआउट में है कि इंटरनेट पे डाटा आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद ये आपने यहाँ पे कितने कितने पैराग्राफ बना रखे हैं, तो हर पैराग्राफ के आगे यहाँ पे डॉट दिखा देगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि कितने कितने आपके पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको दिखाएगा। ये देखिए, ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारा आउटलाइन का काम है। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, इसमें कोई पेज नहीं बनते, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कर देता हूँ 100%, ठीक है। और इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डाटा आपका आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कर्सर आ रहा है हमारा, तो इसमें कोई पेज नहीं बनता। आप इसमें जितना भी आपको टाइप करना हो आगे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फ्री। या फिर कोई भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी कॉपी ले सके या कोई बुक लेकर के आप यहाँ पे देख देख के टाइप कर सकते हैं आसानी से। इससे आपको कोई पेज नहीं बनेगा। तो ये हमारा होता है ड्राफ्ट, ठीक है। लेकिन हम जो भी नॉर्मली काम करते हैं एक प्रोफेशनली या नॉर्मली, तो हम किस पे करते हैं, प्रिंट लेआउट पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे सो हाइट है। देखिए यहाँ पे हम ये पेज हमारा यहाँ से इतना ब्लैंक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है। तो जैसे ही रूलर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रूलर्स आ चुका है हमारा, ये इसे बोलते हैं रूलर्स। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो हट भी जाएगा और जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ जो दिखा रहा है आपको गैपिंग जो आ रही है आपकी, तो ये दिखाता है आपका मार्जिंग्स कि आपने लेफ्ट में इतना मार्जिन दिया हुआ है। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको मार्जिन मार्जिन कम करना हो या ज़्यादा करना हो, तो आप हमारे पेज लेआउट में जा करके, मार्जिन में जा करके, कस्टमर मार्जिन में जा करके, और यहाँ पे आप लेफ्ट में या राइट में या टॉप में या बॉटम में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था रूलर्स। उसके बाद ग्रिड लाइंस, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये दिखाएगा कि आप कितने एरिया में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ दिखा रहा है ये, ठीक है, इस टाइप से। ये देखिए है ना, ये पेज हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है ये डाटा हमारा और यहाँ पे ख़त्म है, ये देखिए। तो आप इतने एरिया में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको हटा दिया। डॉक्यूमेंट मैप, ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेज हमारा बिल्कुल ब्लैंक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिखाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे कोई हेडिंग बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर, और इतना करने के बाद मैं होम टैब में जा करके मैंने इसे क्या क्या हेडिंग वन बना दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आ चुका है। वैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, लिखा हमने पेंट, तो ये हमारी सब हेडिंग है। तो इसको हमने हेडिंग टू बनाया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका दिखा देगा डाटा। तो डॉक्यूमेंट मैप में ओनली आपकी हेडिंग दिखाता है, ठीक है। थंबनेल्स, थंबनेल्स में क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक भी पेज यहाँ पे, देखिए ये पेज काफ़ी बड़ा है, मुझे सभी पेजों को एक साथ देखना हो, तो जैसे व्यू टैब में जाने के बाद मैं किस पे क्लिक करूँगा, थंबनेल्स पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज वन, पेज टू, पेज थ्री आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जिस पेज पे आपको जाना है उस पे क्लिक करिए, ये पेज यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको सो हाइट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जूम, ये हमारा जूम का पार्ट है। तो जूम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये आपका 140% पे आप देख रहे हैं, ये पेज हमारा 140% पे है। आपका 100% भी देखना है आपको, तो यहाँ पे आप 100% करके ओके कर दीजिए,
ये देखिए आपको 200% करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं आपका डाटा ये 200% पे दिखा रहा है। तो मोस्टली जो हम काम करते हैं 200% पे। ये आपका देखिए कभी भी आपका पेज कभी छोटा या बड़ा हो जाए तो आप सीधा व्यू टैब में आकर के 100% पे क्लिक करिए, वो आपका एक्चुअल साइज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास वन पेज, वन पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक पेज को पूरा एक बार में दे सकते हैं। टू पेज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दो पेज एक बार में दिखा देगा, और फर्स्ट एक ही किसी एक पेज को बड़े साइज में देखना हो तो पेज विड्थ पे क्लिक करिए तो ये आपको पूरे फुल स्क्रीन में यहाँ पे दिखा देगा इस टाइप से, ठीक है। हाँ ये हमारा 184% भी आपको दिखा रहा है। देखिए अरेंज ऑल, अरेंज ऑल क्या होता है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज लिया देखिए इस टाइप से, अगर आपको कोई ऐसा काम मिले कि एक दूसरे पेज से आपको इस पेज पे काम करना हो, ठीक है, जो भी आपने उस पास के पेज पे काम किया हुआ है उसमें से देख के इस पे करना होगा, तो देखिए अगर हम माउस से करें तो यहाँ जाके यहाँ क्लिक करना पड़ेगा इस टाइप से, फिर मैं यहाँ पे एक लाइन पढ़ूंगा बेसिक कंप्यूटर, फिर यहाँ गया फिर इस पे क्लिक किया और यहाँ लिखा मैंने क्या बेसिक कंप्यूटर, तो मुझे हर बार इस पेज पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन है हमारे पास व्यू टैब में अरेंज ऑल, तो आप दो डॉक्यूमेंट को एक साथ दे सकते हैं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ दे सकते हैं आपका ये आपका काम किया हुआ डाटा है, ठीक है, और ये आपका जिस पे आपको काम करना है, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, आप वहाँ से देख देख के आसानी से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अरेंज ऑल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल में है लेफ्ट से राइट, आप चाहते हैं मुझे डाटा ऐसे और ऐसे करना होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू साइड बाई साइड, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डाटा आपका वर्टिकल में आ चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन स्विच विंडो एंड मैक्रोज, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से एक नया पेज लेता हूँ तो ये हमारे पास दो पेज हो गए, देखिए दो डॉक्यूमेंट हो गए अलग अलग। मैं अभी यहाँ पे एक न्यू पेज पे काम कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा उस दूसरे वाले पे जाना हो तो आपको यहाँ ना जा करके, ठीक है, आप सीधा यहीं से स्विच डॉक्यूमेंट कर दीजिए, आप डॉक्यूमेंट वन पे आ गए। आपको डॉक्यूमेंट टू पे जाना है तो यहाँ जाके स्विच डॉक्यूमेंट टू कर दीजिए, डॉक्यूमेंट टू पे चले गए, ठीक है। तो स्विच आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैक्रोज, मैक्रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एमएस वर्ड का, ये हमारे टाइम को सेव करता है, ठीक है। जैसे इनका यूज हम क्यों करते हैं और कब करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल में रिकॉर्डिंग का बटन है और उसको ऑन करने के बाद किसी भी एक लाइन को या कोई भी आप सॉन्ग्स, जैसे ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में है तो ऑलरेडी कंप्यूटर पहले से है, ठीक है, ठीक है, या मोबाइल में है तो आप उसे सुनने के लिए क्या करते हैं, बटन क्लिक करते हैं तो आपको उसे कई बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार जितनी बार सुनना तो सुन सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से है ना मैक्रोज क्या होता है हमारा कि आप यहाँ पे किसी चीज़ को अगर बार बार करते हैं तो आप उसको एक बार रिकॉर्ड कर दीजिए और जब आपको चाहिए वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो देखिए मैक्रो में जाने के बाद आपको क्लिक करना रिकॉर्ड मैक्रो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ से पूछेगा आपका नाम, ठीक है, किसी नाम से मैंने दे दिया यहाँ पे हेड वन। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन से कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ठीक है एक यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक शॉर्टकट की, देखिए कंट्रोल के साथ कभी भी शॉर्टकट की आपको नहीं बनाना, कोई ऐसी शॉर्टकट की आपको यूज करना है जो आप बहुत ही कम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्ट के साथ बना दिया, अल्ट प्लस डी, कीबोर्ड से प्रेस किया मैंने अल्ट प्लस डी और यहाँ पे क्या कर दिया असाइन, और उसके बाद यहाँ कर दिया क्लोज, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास माउस के साथ साथ एक रिकॉर्डिंग का सिंबल भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे जा करके होम में मैंने कुछ यहाँ पे डाटा बना लिया, ऑल प्रोग्राम ऑल बॉर्डर, फिर यहाँ से शेडिंग कलर लगा दिया, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मैंने इस टाइप से टाइप किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया व्यू टैब में जा करके इस रिकॉर्डिंग को मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग टाइप कर ली करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मुझे एक हेडिंग यहाँ बनाना है इस जगह पर, तो दोबारा मुझे यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा सारा फॉर्मेटिंग नहीं करना मुझे, सिर्फ जो हमने शॉर्टकट की यूज किया था अल्ट डी उसे प्रेस करिए, आप देख सकते हैं ये हेडिंग हमारा आ चुका है बन के, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमने रिकॉर्ड कर दिया था इसमें मैक्रो में, तो ये आपको बार बार बनाना नहीं है। तो कभी भी ऐसा कोई काम जो आप बार बार करते हैं तो उसे आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए और जब चाहे आप उसे यूज कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको व्यू टैब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको 100% उसका रिजल्ट देंगे।
ठीक है, आंसर देंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।